हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो ऑफ गैस स्टेशन सिमुलेटर। सो गाइस, अभी आप देख सकते हो ये जो हमारे पिछले एपिसोड का चैलेंज था वो अब फाइनली कंप्लीट हो चुका है। और वेट, हमारा ये वर्कर कहाँ भाग के जा रहा है भाई? ऐसे लग रहा है इसके पीछे किसी ने आग लगा दी है, उसका तो पता नहीं। बट गाइस, मैं अभी अपने गैस स्टेशन को लेवल 4 पर अपग्रेड करने जा रहा हूँ। लेट्स गो। फाइनली हमारा गैस स्टेशन लेवल 4 का हो चुका है और उसी के साथ हमें न्यू फ्यूल डिस्पेंसर की जगह भी अनलॉक हुई है। तो भाई अभी उसको देखने के लिए चल लेते हैं। और वैसे गाइस, अभी हमारा गैस स्टेशन भी काफी ज्यादा बड़ा हो गया है। अब भाई मम्मी से बोलकर इस गैस स्टेशन की नजर उतरवानी पड़ेगी, क्योंकि अभी जो भाई हमारे गैस स्टेशन में शांति है वो भाई हमारे अंकल ने भंग कर दिया है अपने सड़े से फोन से हमको फोन मिलाकर। तो मैं फोन उठाकर बात कर लेता हूँ भाई, क्या दिक्कत है हमारे अंकल को। और वेट, सो गाइस, अभी मैं अपने अंकल से बात नहीं कर पाया हूँ, बट हाँ, मुझे इतना उन्होंने जरूर बता दिया कि अब हमारे गैस स्टेशन पे एक बहुत ही बड़ा सैंडस्टॉर्म आने वाला है। और उन्होंने मुझे ये भी राय दी है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा अंदर ही रहने की कोशिश करें जब तक हमारा सैंडस्टॉर्म टल नहीं जाता। और उन्होंने मुझसे एक बात और कही थी, जब हमारा सैंडस्टॉर्म चला जाए तो फिर जो छोटे छोटे सैंड पाइल्स बन जाएंगे उनको भी हमको क्लीन कर देना है, वरना वो हमारे लिए कुछ दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। बट अभी भाई टलने तो दो उसको। और भाई, जब तक मैं अपने गैस स्टेशन के अंदर हूँ तब तक मैं कुछ कस्टमर्स को सर्व कर लेता हूँ। और वेट, मुझे लग रहा है मैं अपने कस्टमर्स को भी सर्व नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हमारी आंखों के सामने ये जो धूल आ रही है बार बार, इसकी वजह से भाई कुछ दिख भी नहीं रहा है। और गाइस, यहाँ पर हमारे बाहर की तरह कुछ कस्टमर्स हैं जो कि भाई ऑब्वियसली नाराज हो ही जाएंगे, क्योंकि भाई इतनी सैंडस्टॉर्म में मैंने उनको बाहर खड़ा रखा है और उनको फ्यूल भी नहीं दिया। तो अभी भाई वो रेटिंग गिराकर चले गए। बट भाई, इसमें मेरी भी कोई गलती नहीं है, हमारे अंकल ने हमसे कहा था कि हम ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकते। तो गाइस, फाइनली हमारे गैस स्टेशन के ऊपर से सैंडस्टॉर्म जा चुका है। और वैसे देखा जाए तो ज़्यादा तबाही नहीं हुई है, तो एक बार चल। और वेट भाई, मैं यहाँ क्या हूँ, तबाही नहीं हुई है तो पूरी बिजलियाँ कड़क रही हूँ ऊपर से। एक बार पास चल के, नहीं भाई पास भी नहीं जाना मुझको भाई, मैं दूर दूर से सही हूँ और मैं जा रहा हूँ अपने गैस स्टेशन के अंदर। ऑलराइट गाइस, फाइनली हमारे गैस स्टेशन से सैंडस्टॉर्म जा चुका है और उसी के साथ हमें सैंडस्टॉर्म की अचीवमेंट भी मिल गई है। वैसे गाइस, सैंडस्टॉर्म में ज्यादा हमारा कोई नुकसान तो करा नहीं है, बट यहाँ पर एक सैंड पाइल आ गया है और इसको मुझे जल्दी ही साफ करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कस्टमर्स को इस रोड से आगे जाने में दिक्कत हो सकती है। तो गाइस, अभी मैं अपने सैंड पाइल्स को साफ कर रहा था और मैंने इस एक्सेवेटर में अपनी सैंड भर भी लिया, तो अब भाई मेरे पे एक तगड़ा आइडिया है। हमें भाई ये चलाने में इतना स्लो लगता है, इसलिए भाई मैं इसको अपने झाड़ू से धक्के मार मार के बहुत ही जल्दी अपने सैंड डिस्पोजल के पास पहुंचा दूंगा। भाई क्या ही मस्त उड़ रहा है ये। और वैसे ये काफी ज्यादा मस्त ट्रिक है जो भी भाई इस एक्सेवेटर को चलाने से बचना चाहता है। ऑलराइट गाइस, तो अभी भाई इस एक्सेवेटर के सस्ते नशे देखो, मैंने भाई अभी अपनी सैंड को डिस्पोज कर दिया इस सैंड डिस्पोजल के पास जाए बिना ही। मैंने बाहर से यहाँ पर सारी सैंड पलट दी, बट वो सारी गई हमारे सैंड डिस्पोजल वाले पोल में। पता नहीं भाई क्या ही चल रहा है। बट गाइस, अभी मैं दोबारा से आ गया हूँ अपने इस एम्प्लॉय को काम देने के लिए। भाई बहुत देर रेस्ट कर लिया तुमने, अब दोबारा से आ जा अपने काम पर और मैं इसकी पहले की पेमेंट कर इसको कैश रजिस्टर को संभालने के लिए दे देता हूँ। क्योंकि भाई कैश रजिस्टर पर अभी आप देख सकते हो भाई 5-5 कस्टमर्स लाइन लगाकर खड़े हुए हैं, तो मेरे ख्याल से मुझको इनको जल्दी फ्री कर देना चाहिए। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ अपने गैस स्टेशन की शॉप में और मैंने अपने वर्कर को रेस्ट करने के लिए भी भेज दिया है, क्योंकि भाई अभी हमारे शॉप में बिल्कुल भी सामान नहीं बचा है। तो अभी मैं पहले अपने सामान को मंगाऊंगा, फिर जाके अपने एम्प्लॉय को दोबारा से काम पे बुला लूंगा, क्योंकि मैं उसको खड़े होने के पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। तो अभी जिनके भी रेट सही है मैं उन सब सामान को अपने ऐड टू कार्ट कर लेता हूँ। लेट्स गो। बस ये हमारे वेयर हाउस की लिमिट से ज्यादा ना हो, और वेट ये ज्यादा है तो मुझे एक प्रोडक्ट कम करना है और अब हम इसको चेकआउट कर सकते हैं। ऑलराइट, अभी चेकआउट भी कर दिया है। और हाँ गाइस, अभी हमारे फ्यूल का स्टेटस भी लो है, तो अभी मुझे फ्यूल को भी ऑर्डर करना पड़ेगा, तो 200 लीटर मंगा लेते हैं। तो भाई अभी तो बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं, और यहाँ तक कि 100 लीटर मंगाने के भी पैसे नहीं बचे हैं। ये तो भाई बड़ी ज्यादा दिक्कत वाली बात है, भाई कहाँ 200 लीटर मंगाते हैं और अब 100 के भी पैसे नहीं। भाई कुछ ज्यादा ही बुरे दिन चलने लगे हमारे। तो अभी कहने से तो कुछ होने वाला है नहीं, तो अभी मैं फटाफट से थोड़े बहुत पैसे को कमा लेता हूँ। 12 seconds later. So guys, इस तरीके से तो हमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है और मैंने सोचा हमें लोन ले लेना चाहिए, क्योंकि भाई मुझे अभी टायर्स को भी मंगाना है, क्योंकि हमारे गैराज में एक भी टायर नहीं बचा है। तो अभी मैं $900 का तो नहीं, बट हाँ $850 का लोन ले लेते हैं। तो अभी हमने लोन तो ले लिया और मैं कोशिश करूंगा इसको मैं जल्दी से जल्दी निपटा दूं। बट अभी के लिए मैं यहाँ पर अपने कार पार्ट्स को खरीद लेता हूँ। और तो अभी यहाँ पे एक टायर को ऐड टू कार्ट कर लिया। और भाई स्क्रैच रिमूवर तो काफी ज्यादा महंगा और कार मिरर भी बहुत ही ज्यादा महंगे चल रहे हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, एक दो टायर को और ऐड करके इसको चेकआउट कर लेता हूँ। लेट्स गो। और अब हम फाइनली अपने कार को रिपेयर भी कर सकते हैं।
सो गाइस अभी भाई मैं तो भूल ही गया कि हमारा फ्यूल का स्टेटस भी लो है, तो अभी हम 200 लीटर का ऑर्डर दे देते हैं। भाई 200 लीटर मेरे ख्याल से मोर देन इनफ होगा अभी के लिए, जब तक हमारे ऊपर लोन चढ़ा हुआ है। ऑलराइट गाइस, तो अभी मैंने अपने ट्रक से अपने आइटम्स को अनलोड करा लिया, तो अभी फटाफट से इनको सेल्फ में भी रिस्टॉक कर देते हैं। और अभी सॉफ्ट ड्रिंक्स तो हो गई और यहाँ पर अल्कोहल भी मैंने मंगाई थी, तो कुछ अल्कोहल को भी रख देते हैं। और भाई यहाँ पर अल्कोहल तो सारी आ जाएंगी, तो उनको भी मैंने प्लेस कर दिया। और भाई सिगरेट तो हमारी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, तो अभी सारी सिगरेट्स को भी हम रख देते हैं। और भाई यहाँ पर एक सिगरेट मैंने निकाल भी ली, तो अभी सिगरेट को साइड में हटाते हैं। और भाई ये जो कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है, फटाफट से इनको सर्व कर कर थोड़े बहुत इनसे पैसे ले लिए जाएं। और हाँ, रेटिंग भी। ऑलराइट, तो गाइस अभी आप देख सकते हो मैंने काफी ज्यादा पैसा कमा लिया है। और अभी मैं अपने कार वॉश को अनलॉक करने वाला हूँ, क्योंकि आज का मेन टास्क हमारा कार वॉश को रिस्टोर करना है। तो परचेज, लेट्स गो। और इसी के साथ हमारा कार वॉश भी रिस्टोर हो चुका है, तो अभी मैं इंतजार करता हूँ अपने फर्स्ट कस्टमर के आने का, जिसको अपनी कार हमसे वॉश करानी है। और अभी तो ये हमारे कार वॉश की शुरुआत ही है, इसलिए हमको कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। और भाई दिक्कत का नाम लिया, और मुझे बहुत बड़ी दिक्कत अपने गैस स्टेशन के गेट पर दिख रही है। और भाई कोई तो इंसान बेसबॉल लेकर अंदर आ रहा है, पता नहीं भाई ये क्या करना चाह रहा है। और वेट, भाई इसने किसी को तो बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, और शायद हमारी सेल्स भी तोड़ दी है, बट भाई क्यों। और वेट गाइस, भाई सच में लिटरली भाई मैं बिल्कुल भूल गया था कि हमने एक लोन भी ले रखा है और मुझे उस लोन की पेमेंट भी करनी है, वरना भाई मेरे पास तो इतने पैसे हो ही गए थे कि मैं अपने लोन को पे कर दूं और अपने कार वॉश को भी रिस्टोर कर लूं। बट भाई इस बंदे ने तो बहुत ही बुरा पेला, और भाई हमारे सारे पैसे भी ले गया, और यहाँ पर बेटर पे नेक्स्ट टाइम लिख के गया है। और वैसे मेरे $750 का लोन बचा हुआ था, और जिसमें से मेरे पास $700 पड़े हुए होते, तो मैं चाहता थोड़ी देर में उसको दे देता, बट नहीं भाई मुझको याद ही नहीं रही बिल्कुल। तो भाई अभी कुछ नहीं कर सकते, बट हमारा कार वॉश पे हमारा फर्स्ट कस्टमर आ चुका है, तो इसकी कार को हम वॉश कर देते हैं। तो अपना पाइप वाइप निकाल लिया, और भाई ये तो काफी ज्यादा। और वेट, ये क्या हुआ, लोकेशन। तो भाई मैं क्या करूं, अरे यार भाई मुझे तो वॉश ही नहीं करनी है, पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है। और वेट, यहाँ पर इसको रखते ही कुछ नए मिशन भी अनलॉक हो गए, तो अभी मुझको अपने कार वॉश को ऑफ करना पड़ेगा। और भाई रेटिंग गिरवा रहे हैं फालतू में, अब तो भाई मेरा कुछ ज्यादा दिमाग खराब हो रहा है। इतनी मेहनत से भाई कार वॉश खोला और उसमें भी हमारी दिक्कतें चालू हो गई। और अभी नेक्स्ट टास्क है हमारा, हमको जंक यार्ड की एंट्रेंस ढूंढनी है। तो गाइस अभी मुझे अपनी जंक यार्ड की एंट्रेंस दिख गई है, पता नहीं इसके अंदर क्या होने वाला है, बट वेट इसके अंदर से कहाँ जाना है। और भाई मैं तो उसको साइड से ढूंढ रहा था, जबकि एंट्रेंस तो इधर से है। तो अभी भाई मैं इसके अंदर आ चुका हूँ, बड़ी ही अजीब सी जगह है। और वेट भाई, मैं तो गैस स्टेशन सिमुलेटर खेल रहा था ना, ये हॉरर गेम कहाँ से आ गया ये, भाई पता नहीं क्या हुआ है। यहाँ पर दो दो रास्ते हैं, तो अभी मैंने लेफ्ट ले लिया, और पता नहीं शायद मैं सही जा भी रहा हूँ, बट वेट यप मैं सही जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे निशान दिख गया है। तो अभी सीधे चलते हुए अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखते हैं। और यहाँ पर रास्ता बंद है, नहीं बंद नहीं है, यहाँ पर कुछ कबाड़ा बना हुआ है, और इसको तो भाई मैं टाप के चला जाऊँ। वेट, यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको क्लीन ही कर देते हैं, क्योंकि आगे चलकर हमको हो सकता है हमको दोबारा भी आना पड़े, तो इस डब्बे को भी दूर फेंक देते हैं। और अब यहाँ का रास्ता बिल्कुल ही साफ हो चुका है, और यहाँ पर भाई सामने है तीन तीन रास्ते, तो अभी मैं लेफ्ट में आ चुका हूँ। और यहाँ पे तो डोरी लॉक है, तो अब इसके पीछे साइड चलते हैं, और यहाँ पर तो कुछ सिस्टम ही नहीं है। और वेट, यहाँ पर एक थर्ड रूम है, जिसके अंदर तो हम आ गए हैं, बट मुझे यहाँ पर अभी पता नहीं चल रहा है हमको क्या करना है। मेरे ख्याल से हमको उस लॉक डोर को ही ओपन करना पड़ेगा, तो एक बार चलकर देख लेते हैं। तो इसको तो भाई मैंने कई बार टैप टैप कर लिया, बट ये अनलॉक ही नहीं हो रहा है, पता नहीं भाई कैसे खुलेगा, इसकी चाबी होगी क्या होगा, बड़ी ज़्यादा दिक्कत की बात हो चुकी है। और वेट, यहाँ पर ये जो रेड वायर है जा रहा है इधर इधर, और ये इस लाइन से होते हुए, और गाइस मुझे यहाँ पे एक लीवर मिल गया है, जिससे कि हम ऑन करेंगे। तो अब मेरे ख्याल से ये इस वायर में इलेक्ट्रिसिटी पहुँचते पहुँचते हमारे उस गेट को अनलॉक कर देगी, और जो कि अनलॉक हो भी गया। भाई इतना सिंपल एस्केप, इसको तो 2 मिनट में पार कर दिया। भाई वैसे मैं हॉरर गेम खेलता नहीं हूँ, बट यहाँ पर मुझे हॉरर गेम की बिल्कुल फील आ रही है, तो अभी आगे चलते। और वेट भाई, यहाँ पर तो एक पूरा जिंदा मगरमच्छ है, भाई साहब इसने तो मुझको हार्ट अटैक ही ला दिया, बहुत बुरी तरीके से डरा के जा रहा था, बट अभी वो कहीं गायब हो गया है। तो अभी हमारे पास टाइम है, तो अभी मैं फटाफट से यहाँ से निकल लेता हूँ। और यहाँ पर भी कचरा, मतलब भाई सीवर लाइन को भी नहीं छोड़ा, हर जगह ही कचरा मिल जाता है अब तो। और अभी आगे के साइड यहाँ पर बंद है, तो अभी राइट में चलकर देख लेते हैं। और गाइस अभी मैं यहाँ पर एक ओपन एरिया में आ चुका हूँ, तो भाई कोई भूतनी वूतनी तो नहीं है ना, जो इतनी खतरनाक सी आवाज़ निकाल ली है। और मेरे ख्याल से यही है हमारा कार वॉश का पाइप, इसी पाइप का हमारा प्रेशर लो हो गया था, और वो प्रेशर लो हुआ था इस कचरे की वजह से, तो अभी मुझे इसको क्लीन करना है। और ये मत कहना भाई इस कचरे को फेंकने के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब इस मगरमच्छ के मुँह पे मारते हैं, बच कैसा गया तू, ये ले कस के पड़ेगा। और गाइस अभी हमारा कचरा भी साफ हो चुका है, और इसी के साथ हमारी अचीवमेंट भी अनलॉक हुई है, फीड द बीस्ट। तो अभी मैं फटाफट से यहाँ के सारे कचड़े को उठाकर इसको फीड कर देता हूँ,
और राइट गाइस, तो ये हमारा लास्ट प्लास्टिक बैग और इसी के साथ काम खत्म। तो अभी मुझको यहाँ पर एक सेपरेट एंट्रेंस ढूंढनी होगी जिससे कि हम अपने जल्दी जल्दी यहाँ पर आ जा सकते हैं, वरना भाई इतना घूम के आना पड़ेगा तो उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा। बट मुझे तो यहाँ पर कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है जिससे कुछ हिंट विंट मिल जाए, और हो सकता है बाहर हो, तो अभी मैं बाहर की साइड आ गया हूँ। और यहाँ पर, और गाइस मुझे यहाँ पर मिल गई है एक सीढ़ी जो कि भाई बिल्कुल खुलती है हमारे गैस स्टेशन के पास में। भाई इस ढक्कन को बंद कर दो, कुछ ज्यादा ही बुरी बदबू आ रही है इधर से। तो गाइस अभी फाइनली हमने अपना ये टास्क पूरा कर लिया, और यहाँ पर भाई कस्टमर्स की तो लाइन लगी हुई है, तो अभी मैं फटाफट से इन सबको सर्व कर देता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी हमारी न्यू कार आ चुकी है हमसे वॉश होने के लिए, और इस बार तो मैं होप करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर हमको इसके फीचर्स भी अब बताए जा रहे हैं, जबकि इसको हम एक बार यूज भी कर चुके हैं बट पूरी तरीके से नहीं कर पाए थे। और गाइस यहाँ पर ये फीचर तो काफी ज्यादा मस्त है, अभी चाहे तो हम इसको स्प्रे भी फेंक सकते हैं और इसका नोजल चेंज करके इसको एक लेजर की तरह भी फेंक सकते हैं इस पानी को, जिससे कि हमारी कार वॉश काफी ज्यादा जल्दी हो जाएगी। और वैसे गाइस इस कार को साफ करने में बिल्कुल पावर वॉश सिमुलेटर की फील आ रही है, जो कि सच में काफी ज्यादा सेटिस्फाइंग भी है। मैं फटाफट से इस कार को वॉश कर लेता हूँ। तो अभी इस साइड से तो पूरी हो गई है, अब इसको आगे से साफ कर लेते हैं। ऑलराइट, और अब मेरे ख्याल से यहाँ पर ज्यादा वॉश करने के लिए नहीं बची होगी, और वैसे कुछ ज्यादा टाइम लग गया इस कार को साफ करने में, बट भाई $150 भी तो मिले हैं, तो मैं इस कार वॉशर को रख देता हूँ। ऑलराइट, तो बस गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलता हूँ इसी की नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।